So everyone, welcome to Indian Idol. So India इस हफ्ते जजेस स्कोर्स के बेसिस पे होने वाला है Indian Idol सीजन 14 का दूसरा एलिमिनेशन. तो दोस्तों शानदार परिवार में प्रेजेंटिंग बालोतरा राजस्थान से पीयूष पनवार. लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए. लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए. सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए. लिखे जो खत तुझे सुरों को सोच के नहीं लगाते हो, अपने आप निकलते और इतने मक्खन जैसे लगते, तीर के जैसे पिन पॉइंट एवरी नोट गोज लाइक परफेक्ट. मैं क्या बोलूं, आई मीन आपने वो ही स्टाइल रखे, इतनी इतना ओरिजिनल तरीके से गाया, यू नो ओरिजिनल तरीके से पेश किया आपने, और वो एक यू नो बहुत मुश्किल चीज होती है. जो इन्होंने पिछली बार गाना गाया था संदेश से आते हैं वो गाना, दादा हमारी इंडियन आर्मी जो 16,000 फीट ऊपर है उन्होंने वो गाना लाइव सुना. वाओ वाओ. संदे से आते हैं हमें तड़पाते हैं
जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे। Once again मैं इंडियन आइडल को दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ, आप दोनों को दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। जजेस कोच प्लीज। प्रेजेंटिंग सुकून की शक्ल टूटिंग अरुणाचल प्रदेश से ओबोम टांगर। ये कोई आया ननुम नुम पे मिलो नुम ये मे मुम होगा तुमसे प्यारा कौन से है हे कंचन अरे हे कंचन अरे होगा तुमसे प्यारा कौन हमको तो तुमसे है हे कंचन अरे हे कंचन जॉब यू आर एन अमेजिंग टैलेंट। जो आपने पहला गाना लाया था होगा तुमसे प्यारा कौन, ये एक्चुअली मेरे फादर का मेरा फेवरेट गाना है जो मेरे फेवरेट फिल्म से है जमाने को दिखाना है। और मुझे याद है मेरे फादर हमेशा मुझसे कहते थे जब भी कोई भी हिंदी गाना एक ट्रेन रिदम पे शूट हुआ हो या कंपोज हुआ है वो हमेशा सुपर हिट गाना होता है। थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। होगा तुमसे प्यारा कौन हमको तो तुमसे है। इतना बिंदास था इनके डैडी, मतलब कोई भी प्रॉब्लम को इजीली हंस के ले लेते थे। कोई भी टेंशन वाली बात हो उनके याद में एक लाइन गा सकता हूँ। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं ऐसा न हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं ऐसा नम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं तेरी उम्मीद तेरा इंतजार। From the entire team of Indian Idol, we love you Rishi ji. ऐसा नम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। Love you Rishi ji, love you. मेरा दिल भी कितना पागल है ये प्यार तो
तुमसे करता है, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन 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 मेरे साजन। थैंक यू, थाली आपके लिए, थाली आप ना जुन। जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, तब से दीवाना हुआ, सबसे बेगाना हुआ, रब भी दीवाना लागे रे, रब भी दीवाना लागे रे। हो जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लग रे। जब से मिला है तेरा इशारा, तब से जगी है बेचैनियाँ। हो जब से मिला है तेरा इशारा, तब से जगी है बेचैनियाँ। जब से हुई सरहोशियाँ, तब से बढ़ी है मदहोशियाँ। जब से जुड़े आरा तेरे मेरे मन के धागे रे, तब से दीवाना हुआ, सबसे बेगाना हुआ, रब भी दीवाना लागे रे, रब भी दीवाना लागे रे। हो जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे। इतना बताए कोई कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने इतनों की लव स्टोरियां। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रहन सहनी तेरी खैर मनाऊं। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रहने सारी तेरी खैर मनाऊं। पतझड़ के मौसम में भी
रंगी चनारों जैसी झंके सन्नाटों में तू वीणा के तारों जैसी सदियों से भी लंबी ये मन की अमावस्या है और तू फूल झड़ियों वाले त्योहार जैसी चंदा भी दीवाना है तेरा जलती है तुझसे सारी चकोरियां काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां केसरिया तेरा इश्क है पिया रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं दिन बीते सारा तेरी फिक्र में रहने सारी तेरी खैर मनाऊं केसरिया तेरा इश्क And you have the man there standing right there in front of you, giving you a standing ovation. दोनों बहुत ही आइकॉनिक गाने हैं जिसमें देयर इज सो मच ऑफ रोमांस भरा हुआ है कुट कुट के. तो वो जो सारी एक्सप्रेशंस वाली बात होती है एक हीरो वाली क्वालिटी जो होनी चाहिए आवाज़ में प्लेबैक के लिए वो है तुम्हारे पास. सो बहुत बहुत मीनिंग करता है मुझे. आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू. यू आर द ट्रू उस्ताद ऑफ आर इंडियन आइडल सीजन 14. अभी तो हम लोग खुशनसीब है कि इसका परफॉर्मेंस हम यहाँ बैठ के देख रहे हैं. आगे जाके ना बेटा तेरा परफॉर्मेंस हमको टिकट लेके देखना पड़ेगा. अच्छा लग रहा है. आपको तो टेंशन नहीं है, आंटी जी दे देगी टिकट आपको. ये जो आपने दोनों गाने गाए हैं, जो पहला गाना जब से तेरे नैना मेरा पहला गाना था जो शान सर ने गाया था जब से तेरे नैना, और जो दूसरा गाना था केसरिया जो अरिजीत ने गाया है, सच ग्रेट सिंगर्स, बट आपने वही स्टाइल रख के इतना ओरिजिनल तरीके से गाया. जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे. यही कहना चाहूंगा आई कांट वेट टू लिप सिंक योर सॉन्ग्स व्हेन यू कम एंड सिंग फॉर मूवीज. ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, क्या बात है. रणबीर, जब से तेरे नैना में तुमने टॉवल पहन के डांस किया था ना. हाँ जी. अरे उसके बारे में कुछ बताओ ना. गाना शुरू होता है एक बैक शॉट से शुरू होता है जब मैं ऐसा खड़ा हूं और फिर मैं ऐसा टॉवल खोलता हूं और कसम से मैंने अंदर कुछ नहीं पहना था. नहीं, कुछ नहीं पहना था. तो मेरे आगे एक कोरियोग्राफर बैठा था, पप्पू मल्लू. पप्पू मल्लू, उनके हाथ में एक फैन था. क्योंकि फैन से उनको टॉवल ऐसा उड़ाना था. तो जब भी मैं ऐसा टॉवल खोलता था वो हंस के गिर जाता था. तो मेरे दिमाग में हमेशा वो विजुअल आता था कि जब मैं टॉवल खोलता था पप्पू वहां गिर जाता था. श्रेया मैम बता रही थी कि आपके ऑडिशन में आपने एक गाने में सरगम यूज किया था, आई थिंक मेरे ढोलना था. मेरे ढोलना, करेक्ट. एक आइडिया है. yes, कि मेरे ढोलना तो तुमने किया है, तुम केसरिया को अपने अंदाज में गाओ विद द सरगम. व्हाट से लुकिंग फॉरवर्ड. यस, यू वांट रश्मिका फॉर कंपनी. यस यस, तब तो सोने पे सुहागा. शानदार परिवार में प्रेजेंटिंग हीरो वाली आवाज नागपुर महाराष्ट्र का उत्कर्ष वानखेड़े. सफर मेरा है तू ही मेरी मंजिल,
तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल तू मेरा खुदा तू ही दुआ हमेशा मैं तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल मुझे आजमाती है तेरी कमी मेरी हर कमी को है तू लाजमी जुनून है मेरा बनूं मैं तेरे काबिल तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल जिस्म भी मेरा उतना मेरा नहीं जितना हुआ तेरा तूने दिया है जो वो दर्द ही सही तुझसे मिला है तो इनाम है मेरा मेरा आसमान ढूंढे सही तो आसमां में आमिल तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल तेरी मौजूदगी से ये जिंदगानी महरूम है जीने का कोई दूजा तरीका ना मेरे दिल को मालूम है तुझको मैं कितनी शिद्दत से चाहूं चाहे तो रहना तू बेखबर मोहताज मंजिल का तो नहीं है एक तरफा मेरा सफर सफर मंजिल से भी मेरी हर कमी को है तू लाजमी अधूरा हो के भी है इश्क मेरा कामिल तेरे बिना गुजारा दर्द है मुश्किल दारा आई थिंक इंडियन सिनेमा के इतिहास में जैसे किशोर कुमार है कुमार सानू जी है अभी अरिजीत सिंह है उनकी आवाज़ में उनके एक्सप्रेशंस में एक एक हीरो वाली बात है और क्या होता है कि उतना एक्सप्रेशन डालते कि हमारा काम आसान हो जाता है हमें सिर्फ कैमरा के आगे सिर्फ होंठ ऐसे हिला के वी जस्ट हैव टू मैच उनकी जो एक्सप्रेशन है तो तुम्हें वो बात बिल्कुल है For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.